Hello everyone, how are you? Well guys, yesterday I came across an incident that inspired me to make this video. कल मैं मॉल गया था और मैकडी में गया था, पसंद आया था, थोड़ी जस्ती लाइक मैकडी में इज लाइक 2 rupees, यू नो. तो क्या हुआ, मैंने बोला पंक्ति में लग जाता. समटाइम्स आई लव टू स्पीक हिंदी संस्कृत एज वेल. सो द गर्ल लाफ्ड अ लॉट एंड शी वाज लाफिंग लाइक इन अ सार्कास्टिक वे. And I felt very bad about it. And she said, I am in queue. मेरा भी कहने का मतलब यही था कि लाइन में लग जाओ. और बट द वे सी टॉन्ट मी लाइक सी जस्ट सेड द सेम थिंग इन इंग्लिश. And वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली टू मेक दिस वीडियो. डज इंग्लिश डिसाइड द इंटेलिजेंसी ऑफ एनी पर्सन? अ बिग नो. यार हाउ अ लैंग्वेज कैन डिसाइड द इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एज लाइक एनी अदर लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ. We need to understand this, man. China में जहाँ की 1.5 billion population है, only 10 million people know English. That doesn't mean China is not progressing. They are progressing like anything, man. मैंने बहुत पहले भी ये बात सोचा था, you know. कि यार इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, बट एक इंडिया में लाइक इंग्लिश मतलब ही इज अ इंटेलिजेंट गर्ल और बॉय और एनी पर्सन. बट कल मेरे को एक सॉलिड रीजन मिला, यू नो, एंड आई फील बैड अबाउट इट. एंड द वे सी सेड सेम थिंग इंग्लिश एंड सी वाज लाइक हैविंग अ Proudness in this, like I said something different. English is just a language as like any other language, and it doesn't decide the intelligence of any person. China is the best example. That's why I have given the example of China. बहुत बंदे मैंने ऑब्जर्व किया है जो हिंदी मीडियम से होते हैं, दे आर वेरी गुड इन एवरी, यू नो, दे उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है बहुत. इस आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट एक नॉर्मल मैंने ऑब्जर्व किया है हिंदी मीडियम को हम बहुत इग्नोर करते हैं. एंड सी जस्ट सेड इन सार्कास्टिक वे, मींस दे just I don't know what kind of this proudness with English. So anyways, I got a topic to talk, and this, as like I have already told you, I have a good thought over it. I mean, I have thought about this topic since long time. But yesterday I got the right reason to make this video, right? तो एक लैंग्वेज डिसाइड नहीं करता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी को. अगर तुम जैसे चाइना में देख रहे हो, चाइना में सिर्फ 10 million पीपल है, और चाइना इज प्रोग्रेसिंग लाइक एनीथिंग. ये हमें इंडियन ना हम एक डायलमा में है, ना हम इस पारी हैं ना इस पारी है. अब इंडिया में क्या है यार, ये एक इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट अराउंड द वर्ल्ड. बहुत
कम लोग जेन्युइन विद राइट ग्रामर यूज करके इंग्लिश प्रॉपर सेंटेंस बोलते हैं. दिस इज द रियलिटी एंड आई हैव सेल्फ ऑब्जर्व मैनी पीपल दिस स्पीक लाइक हे दे आर लाइक स्पीकिंग रॉन्ग. दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग दो दे आर लाइक हे आई एम स्मार्ट गाय और स्मार्ट गर्ल. यू आर नॉट. यू आर फकिंग योर सेल्फ बाई जस्ट गिविंग अ फॉल्स इल्यूजन टू योर सेल्फ दैट आई एम डूइंग समथिंग. सो इंडिया में इसलिए मैंने बात किया. इंडिया में मैंने ऑब्जर्व किया है एक बंदा जैसे कल मैं बोला और वो चीज़ ये मेरे साथ वही होता है. जब तक तुम एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना तब तेरे को लगती है अरे मेरे साथ गलत हुआ है इनजस्टिस हुआ है तब तुम्हें ज़्यादा उस चीज़ को रियलाइज होता है. अर्लियर आई वॉज लाइक आई हैव मेड दिस मिस्टेक इन माई लाइफ. आई मीन somebody is saying in Hindi then I say the same thing in English and I have also this kind of broadness and I'm sorry for this because it doesn't mean I'm a very prudent person. I'm a scholar. I'm a person with high excellence. Nothing like that. इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. अब यूएसए में जा रहे हो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. उस समय तेरे को इंग्लिश बोलना पड़ेगा क्योंकि तेरे को रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे भी है एक इंटेलिजेंसी से कोई सीन नहीं है. इट्स जस्ट इफ अमेरिकन इज सेइंग एंड यू आर इंडियन टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल you need a medium that is English so that you can exchange your views or understand each other. According, so ये है एक language है. इसको language ही रहने दो. एक status symbol मत बनाओ. और मुझे लगता है this is stupidity. This is That's why India progress के नाम पे यार progress हो नहीं रहा है. हम यही सब trivial चीज़ों में यू नो इंगेज हैं. फालतू के शो ऑफ में इंगेज हैं. आई एम बेटर देन यू दो यू आर जस्ट फकिंग नॉनसेंस जस्ट ही आई एम गुड इन दिस एंड दैट. इवन जो भी डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग अच्छी प्रोग्रेस जर्मनी देख लो या चाइना जापान वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू नॉट टू टॉक इन इंग्लिश. नो दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ माई. व्हाट माई इंटेंशन इज व्हेन इट रिक्वायर्स स्पीक अबाउट इट. It must not be a fun for others. Like if you are speaking in regional language or Hindi, they have the copyright to make fun of you. So this is a thing I just want to convey to you. And actually I'm feeling sad. I don't know why I'm feeling sad. The way she laughed on me sarcastically, that's invade me very internally. So मुझे लगा यार why this kind of एक proudness है. ऐसा क्या उसने might be she's thinking like she said something different. No. सो ये चीज़ ऑब्जर्व मैंने किया यार इस चीज़ों पर यू नो थ्रू आउट डे. आई वॉज नॉट फीलिंग गुड बेसिकली. सो फिर मैंने ऑब्जर्व किया थोड़ा और कंट्रीज़ के बारे में देखा तो यार मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि देर इज़ नथिंग विथ इंग्लिश टू
progress, to advance, to become superiority, nothing like that. Japan is so, wow, I always salute Japan, the way, the determination, the persistence, the, these guys are like nailed it all the time. We are, unmei English speaking se koi scene hi nahi hai. They also having the same perception that ek English language hai, agar wo bhi jaise यार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उसको मैंने इंग्लिश बोलते नहीं देखा है. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ. तो यार ये मेंटलिटी इज नॉट राइट, आई थिंक सो. एंड आई नॉट ओनली थिंक सो, आई mean it. So देखो यार, it's totally upon person to person, like how they are thinking, what's their perspective towards anything, whether you are angry with me or not, doesn't going to make any difference to me. The whole sole intention of this video is to make aware to the people. If any person is struggling with this, somehow he or she feel relax. He or she feel like, no, nothing wrong in this. So yeah, and have a great day. Or जैसे मैंने बोला यार, इंग्लैंड जा रहे हो तो वहाँ पे ज़रूरत है कम्युनिकेट करने के लिए. वहाँ पे हिंदी नहीं पता तो एक इंग्लिश तेरे को आता है, इज़ फाइन, अच्छी बात है. वहाँ पे तेरे को बोलना ही चाहिए. वहाँ पे अगर तुम हिंदी बोल रहे हो तो दिस इज़ स्ट्रेपिडिड है. वहाँ पे तुम बोल रहे हो तो एक अच्छी बात है. आई प्रमोट दिस, आई अप्रिशिएट इट मोर देन अप्रिशिएशन. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस यार. तेरे को कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगा? तो क्योंकि उनकी मदर टोन ही इंग्लिश है तो तेरे को भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा जिससे उन बंदों से तो कम्युनिकेट कर पाए. तो इसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है, एक लैंग्वेज है, इंग्लैंड है, इंग्लिश बोलते हैं. तेरे को भी इंग्लिश आता है तो बात कर पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगी बातें, है ना. इसमें नथिंग टू डू विथ इंटेलिजेंसी. राइट, अब जापान जा रहे. जापान में मोस्टली लोकल लैंग्वेज ही चलते हैं, इंग्लिश बहुत कम जानते हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि जापान प्रोग्रेस नहीं कर रहे, नथिंग लाइक दैट. जापान दिस अदर कंट्री प्रोग्रेसिंग लाइक एनी थिंग मैन. दे आर जस्ट लाइक दे आर नेलिंग एवरी स्टेज ऑफ, यू नो, दे डू whatever the things possible for their country to, well, citizens are so aware about their duty, responsibilities. They are like, even like ek Modi ko ek campaign chalana pada Swachh Bharat Abhiyan. Isn't it like so stupidity? Like we are self not aware about our basic things to litter. कहीं भी कचरा ट्रैश इज स्प्रेइंग ऑल अक्रॉस अ प्लेस वेयर वी लिव. इज़न्ट इट लाइक, क्या है मतलब, तुम्हें बेसिक भी नहीं पता क्या लाइफ में क्या करना चाहिए? उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को कैंपेन चलाना पड़ रहा है. हॉरिबल, दिस इज हॉरिबल. एनीवेज गाइज, मेरे कहने से तुम थोड़ी समझ जाओगे, है ना, क्योंकि बिकॉज यू स्पीक इंग्लिश, यू आर इंटेलिजेंट गाइज, एंड हाउ कैन यू फॉलो और ओबे एनीथिंग इफ आई विल से एनीथिंग टू यू, राइट? दिस इज समथिंग
made me feel offended. How can you say like that? Have a great day.